रोल। क्या नाम है? संदीप शर्मा। क्या मामला डीजे को लेकर? सर कुछ भी नहीं, हम तो डीजे बजा के आ रहे थे, उसके बाद हमने उनके बेड़े पे उनको छोड़ के वापसी आ रहे थे। श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी वर्षों से आपके अपने घर के सपनों को पूरा कर रहे हैं। फ्लैट्स, विलास, पेंट हाउसेस और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, बेहतरीन डिजाइन, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, किफायती दाम और टाइम पे डिलीवरी। हमारा सपना हुआ साकार, घर से सुखी हुआ परिवार, क्योंकि बीसीसी से घर ही नहीं बनाती, सपने भी सजाती है। ये रिश्ते हमारे जितने भी साथ के जितने भी भाई थे डीजे वाले, सबकी गाड़ी जब्त कर ली गई है और ये नहीं पता लग रहा कि किस कारण जब्त की गई है। किस थाने में जब्त की गई? सर हमारे 0 पॉइंट है मधुर थाना। मतलब गाड़ी का कोई कारण बताया जब्त करने का? कुछ भी नहीं बताया सर, बस पकड़ के हमारे से फोन छीन ले गए सब लड़कों से, और गाड़ी कहना मैं गाड़ी को मारा भी है कि लोगों को मारा भी है हमारे साथ के लड़कों को। बस एक जो आपको कह रहे हो गाड़ी जब्त करने का, क्या किस टाइम का मामला है? किस समय का मामला? ये 12 बजे चालू किया था जी, 4 बजे तक हमारी गाड़ी पकड़ी गई है। कहाँ जाना था? हमें कोई गाजियाबाद, कोई मेरठ, कोई नोएडा, कोई हापुड़, लगभग कितनी गाड़ियाँ हैं? समथिंग जो पता लग रहा है वो 60 से 65 गाड़ी पता लग रहा है जी। मुरादाबाद। क्या की कोई गाड़ी नहीं है? टोटल सभी जिलों की पकड़ी गई है? खाली मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और अपना ये नोएडा। मुरादाबाद की कोई भी गाड़ी नहीं पकड़ी गई है। किसको छोड़कर पकड़ी गई है? इसमें आपने किसी अधिकारी से बात करना चाहिए? सर अधिकारी से बात की है, वो कह रहे की सीओ साहब के हाथ में, सीओ साहब ने सबकी गाड़ी सीज कर दी है। ऊपर से आदेश है कप्तान साहब के। क्या आपके पास कोई मैसेज चलान का या कोई आया? बस चलान का 3,000 रुपए का मैसेज आया था, वो चलान चेक करवाने तो 28,000 रुपए बताया जा रहा है। अच्छा, अब आप क्या कहना चाहेंगे? बस सर हम तो रिक्वेस्ट ही करेंगे कि हम तो यहाँ पे 2 पैसे कमाने के लिए आए थे और हमारा तो नुकसान ही हो रहा है। बाबा की सरकार में बहुत गलत हुआ है। बाबा की सरकार में हमारा बहुत गलत हो रहा है। भैया क्या नाम है आपका? शेर सिंह। शेर सिंह जी कहाँ के निवासी हैं? लोनी। लोनी, ये जो मामला हुआ है डीजे को लेकर, क्या पूरा मामला है? ये मामला ये था जी, हम ये जो जीरो पुस्तक, जीरो गोल चक्कर जो करता है, जीरो पॉइंट यहाँ पर डीजे बांध रहे थे अपने, तो 10 से 12 पुलिस वाले आए और जबरदस्ती हमारे डीजे को थाने ले आए। थाने लाने के बाद हमारे डीजे के जबरदस्ती चलान काट दिए। कोई कुछ नहीं, कोई फॉर्मेशन नहीं है किसी चीज़ की, डीजे पर कोई कॉमेंट नहीं, अपने घर के लिए जा रहे थे और ये जबरदस्ती रात को 12 बजे हमारे डीजे को ले गए। शेर सिंह जी, ऊपर से ऐसा कोई आदेश मिला है पुलिस को जो जिस आधार पर पुलिस ने आपके डीजे बंद किए हैं? कोई आदेश नहीं है, कोई कप्तान साहब ने कोई सस्पेंशन किसी डीजे वालों को नहीं दिए। कम से कम 500 डीजे वाले थे और अपने यूपी के जितने भी डीजे थे, नवेडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, सिर्फ ओनली यही डीजे पकड़े हैं। मुरादाबाद के डीजे सबको छोड़ दिए हैं। ऐसा क्यों है? बाबा की सरकार में कावड़ में डीजे बजा रहे हैं, ब्याह शादी में डीजे नहीं बजा रहे सरकार में। अगर उनको परमिशन की थी जरूरत तो पार्टी वाले से हम परमिशन लेते हैं। जब पहले योगी बाबा ने बोल दिया परमिशन की जरूरत नहीं है, कावड़ में डीजे बजेंगे। क्या मुख्यमंत्री के आदेश थे ये हमारे?